Hey guys, Assalamualaikum. This is Yusuf Fakhan and welcome back to my YouTube channel. आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ JDC जफर अब्बास की तरफ सहरी करने और सहरी कराने लोगों के साथ। तो बस मैंने सोचा आज का ब्लॉग बनना चाहिए और मैंने सोचा यार आज एक ऐसा एक्सपीरियंस भी लें कि जो हमारी पाकिस्तान की कराची की आवाम है, जो बहुत सारे लोग वहाँ पे हज़ारों लोग सहरी करते हैं, आज उन लोगों के साथ बैठ के सहरी करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं वहाँ पे और मैं ख़ुद उनसे मिलने का भी मुझे बड़ा शौक है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से उनको देखता हूँ। तो बस अब मैं निकल रहा हूँ वहाँ के लिए और कौन जा रहा है मेरे साथ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवेस मेरे साथ ज़रूर है। तो आया बस निकलता है। तो बस मैं अभी आया हूँ, निज़ाम भाई का मैंने नाम लिया था लेकिन मैंने निज़ाम भाई को पिक किया पहले, उसके बाद ओवेस आया है और सारा सीन जो आगे का है वो बताएगा मैं ओवेस के क्या सीन है क्या नहीं है पूछ लेंगे सब्र कर देना। तो आगे का सीन हमें बताएगा ओवेस, वो बताएगा बाइक पर। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ और मैं JDC के अंदर खड़ा हुआ उस टाइम, और मैंने अभी सिर्फ 2:30 बजे के टाइम जो रश देखा है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो तो कह रहे हैं बाकी लोगों से, मैंने पूछा कहते हैं ये तो कुछ नहीं है, अभी तकरीबन आपको 3:30 बजे एक प्रॉपर रश होगा, यहाँ पर प्रॉपर एक खाना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर बस प्रिपरेशन चल रही है सबकी अभी और खाने वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ लग चुकी हैं, जहाँ पे पानी है, जूस है, शरबत है, खाना है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ, जफर भाई सामने ही खड़े हैं मेरे और वो थोड़ा बिजी भी नहीं है बिल्कुल भी, लाइक वो मुझे उनसे अभी बात करनी है तो वो अभी कर लेंगे। पर वो थोड़े से लोगों के अंदर है माशाल्लाह, काफ़ी सारे लोग उनसे पिक्चर ले रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उनसे अपनी मसले बता रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उनको और लाइक वो बंदा सबको जवाब देता है, वो बंदा सबसे पूछ रहा है, वो बंदा सबसे कांटेक्ट ले रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैंने सोचा उनसे बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ यहाँ की प्रिपरेशन दिखाऊं और यहाँ की चीज़ें दिखाऊं, यहाँ के लोग जो सारे मेहनत कर रहे हैं, अभी जितने वॉलंटियर्स हैं, अभी जितने भी काम कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ सबसे पहले खाना। तो भाई माशाल्लाह ये देखें कि खाने की आज, और ये मुसलसल आए जा रही हैं और लगे जा रही हैं माशाल्लाह। सिर्फ ये देखें और उसके बाद तो आवाम इतनी होगी कि वो आपको आगे दिखे। तो भाई यहाँ सब ऑलमोस्ट रेडी है और सब के सब बैठे हैं सारे, बस इधर से हम ऊपर से आए और सारा खाना निकाले माशाल्लाह। ये सारा इनका वॉलंटियर का स्टाफ है और मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी इनके साथ मिल के यही काम करूँ, करेंगे इंशाल्लाह। पुलाव है? नहीं, ये चाइनीज राइस है। शाश्लिक? यस, शाश्लिक विद राइस। शाश्लिक विद राइस, यस माशाल्लाह। और खाने में क्या क्या है? यही चिकन शाश्लिक विद राइस। आज तो आज का इनका खाना है चिकन शाश्लिक विद राइस, तो वो थे सिर्फ राइस और ये है शाश्लिक। तो भाई खाना रेडी होता रहेगा और इस तरह खाना लगता रहेगा और बस फिर सहरी के टाइम पे खाना लग जाएगा। और उससे पहले तो मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, मैं जा रहा हूँ जफर भाई से बात करने के लिए अब और उनसे थोड़ी मालूम करें यहाँ की पूछें, और मजे के साथ खाना खत्म होगा। तो भाई आए, आपको सबसे पहले मिलवाते हैं अपने एक मशहूर क्रिकेटर से जो कि यहाँ पे आया, वो खुद से वो खुद से अपने हाथों से खाना निकाल के लोगों के साथ पहुँचा रहे हैं, वो है हमारे बचपन के स्टार उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम भाई। उमर भाई बड़े बड़े छक्के मारने से अच्छा है एक और काम भी करते हैं, वो है ये अपने हाथों से लोगों तक खाना पहुँचाना, जो कि हर साल उमर भाई यहाँ आते हैं JDC पर और हम सब के लिए सहरी का इंतज़ाम कराते हैं साथ में, और सबसे मज़े की बात ये खुद करते हैं काम और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मेरे लिए फख्र की बात है यार। बिल्कुल, और हमारे लिए आपसे ज़्यादा कि हमारा एक क्रिकेटर स्टार जो हमारे बचपन का था वो आज हमारे सामने है, हमें ही खाना पहुंचा रहे हैं
इससे अच्छी बात हमारे लिए भी और कोई नहीं हो सकती भाई। बस आप दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाक इनको दे तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी दे, इसी तरह रौनक लगाते रहें, हम लोग आते रहें। आमीन। तो बस यहाँ पे खाने की इब्तिदा होने जा रही है, खाना लगना शुरू हो गया है और अब बस ये खाना लोगों तक पहुँचेगा। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ का आज की सहरी जो कि बस 10 मिनट में आगे शुरू होने वाली है। आज मैं खड़ा हूँ जफर भाई के साथ, जो मैं पिछले 2 साल से 3 साल से इनको देखता हूँ, तो मैंने सोचा था इनके पास आऊँ और अपना एक एक्सपीरियंस लेके जाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आया इनके पास और मैंने आके इनके साथ सहरी की है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि आओ बैठो और सहरी करो। तो आए अब इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो जफर भाई, आपको कुछ मुश्किलों वो होता है यहाँ पे लाइक सामना करना पड़ता है, इतने सारे लोगों के अंदर करते हैं? बहुत सारे इसमें ऐसे अनासर होते हैं जो किसी हिडन एजेंडे के साथ आते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी रोड पे होने वाली आवामी सहरी कर रहे हैं, कोई शरारत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, उससे बचने के लिए यहाँ 100 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ 2-2 आदमी बैठे मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी शरारत हो, किसी फैमिली के साथ कोई बदतमीजी कर दे, किसी खातून के साथ कर दे, एक मिनट लगता है कोई भी मामला ख़राब होने में, तो उन तमाम चीज़ों को। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जी हमने हमारी दरख्वास्त ले, अभी दरख्वास्त ले, हमारा मैटर अच्छा भेज दे, तो दरख्वास्त जैसी दरख्वास्त देंगे चीखना शुरू करेंगे, मसला भी हल करो, 14 लाख रुपये चाहिए हमने कर्जा लिया, या हमने 40 लाख रुपये कर्जा लिया था वो उतारने पैसे, तो 40 लाख अब भाई चीख रहे हैं, मतलब एक से बढ़कर एक, मतलब आप कुछ भी जो नहीं सोच सकते हो सकता है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि आपने कराची में, जैसे कि ये 10 साल आपने कराची में किया है, और आपने कौन कौन से शहर में आपका अगला है कि आप? देखिए इस वक्त यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक हमारे दस्तरखान चल रहे हैं। कराची में तमाम अस्पतालों के बाहर आपको मिलेगा, फिर सोहराबगढ़, जौहर मोड़, जौहर चौरंगी, मलीर कंट्रो जहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, फिर उसके अलावा शारा फैसल, फिर आई है चंडीगढ़ रोड, मुख्तलिफ जगहों में मोबाइल रेस्टोरेंट हैं, कहीं तंदूर हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इसी तरह थर मिट्टी में, उसी तरह से लाहौर फिरोजपुर रोड, जीन मंदिर, फिर उसके बाद इस्लामाबाद, टिम्स अस्पताल, सिद्दीक चौक, रावलपिंडी, फिर कोटली आज़ाद कश्मीर DHQ अस्पताल, बहुत बड़े पैमाने पर। बोल गया कल तो एक और अच्छी खबर आई है कि KFC ने जितनी आज 21 रमजान से लेकर और चांद आज तक JDC के पूरे पाकिस्तान में जाने सेंटर है, जितनी अफतारी हो रही है सबकी जिम्मेदारी, उसके अखराजात KFC ने अपने जिम्मे ले लिए। नहीं, कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और उन सब्जेक्ट्स में सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है खाना लोगों के लिए। आज कितने लोग इंतजार है यहाँ पर? देखें अभी इस वक्त जो क्राउड है वो तकरीबन लगभग जो चल रहा है वो 15,000-14,000-15,000, लेकिन अब जो जुम्मा हफ्ता एतवार है ये चला जाएगा 30,000, और फिर आखिरी जो दिन होता है वो 40,000। तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना था, जैसे कि आपने भी माशाल्लाह कराची के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए, हम जैसे लड़कों के लिए भी बहुत कुछ किया है, जैसे कि IT बोला, हम जैसे बच्चों के लिए, जैसे हम लोग पढ़ लें, हम लिख लिख लें, और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनके लिए फ्री है। तो और इसी के साथ साथ आपने गर्ल्स बोला है, उसको भी और एक और सर ठीक है। जहाँ तक रह गई IT सिटी की बात, इस वक्त बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है हम 100 लोगों को नौकरी देने के लिए एक फैक्ट्री लगाएं 10-20 करोड़ रुपए की, उसमें 100 लोगों को नौकरी मिलेगी, बिजनेस आया, ऑर्डर आए तो मिलेगी, और 100 लोगों पे आपके 20-50 करोड़ रुपए लग गए। हमने क्या कहा, हमने कहा हम एक ऐसा काम करते हैं, हमने देखा पूरी दुनिया में लोग ई-कॉमर्स के जरिए लाखों हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, हमने कहा कि जी ये कोर्स कितने का, पाकिस्तान में देखा तो मालूम है 1.5 लाख रुपये का कोर्स है। हमने क्या किया, हमने टीचर से बात की, हमने कहा पैसा हम देंगे, आपने बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। हमने अनाउंस कर दिया कि हम IT सिटी बना रहे हैं, और हमने IT सिटी बना दी 5 स्टार चौरंगी पर, और 3.25 लाख लोगों को एडमिशन दिया। उसमें बच्चे नहीं हैं सिर्फ, उसमें माएँ हैं, उसमें बेटियाँ हैं, फुपियाँ हैं, खालाएँ हैं, अंकल हैं, खालू हैं, चाचा हैं, सब हैं। 10,500 बच्चे हर 2 महीने में पढ़ के निकल रहे हैं और घर बैठे $200-400 कमा रहे हैं। ये वाहिद हल था, बाकी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था रोज़गार देने का। और जहाँ तक आपने बात की डायलिसिस की, फ्री डायलिसिस की, मिडिल क्लास फैमिली हो या कोई भी फैमिली हो यार, अपने उसका मरीज जब तक, अगर गुर्दे का मरीज है डायलिसिस पे, तो मरते दम तक डायलिसिस होना है, तो कहाँ से महीने के 1.5 लाख या 3 लाख रुपये लेकर आएगा हर महीने जब तक खबर नहीं जा रहा। तो हमने ऐलान किया था कि हम कराची में 50 फ्री डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 साल के अंदर अगर बात की जाए तो सरजानी टाउन से लियारी तक सारे भर दिए हैं। आप समनाबाद देख लो, 5 स्टार चौरंगी देख लो, लियाकताबाद देख लो, सोल्जर बाजार देख लो, लियारी जहाँ चाहे देख लो, गुलशन इकबाल देख लो, भर दिया। अब मलीर की तरफ शुरू कर दिया, मलीर वाला बने हुए 1 महीना हो गया, 1 महीने डायलिसिस हो रहा है, अलग अभी इफ्तिता नहीं हुआ है, सारे बेड फुल है, 1 रुपया किसी को नहीं। इसी तरह से जो अभी लैब बना रहे हैं हम, जो हमने नुमाइश चौरंगी में मशीनें उतारी 8 करोड़ रुपये की, कौन मरीज अपने बच्चे का 1,00,000 रुपये का, 1,000 रुपये का लैब से टेस्ट करा सकता है खून के? हम फ्री लैब बना दिए, बोर्ड लगा दिए, इंशाल्लाह इसके बाद उसका हफ्ता हो जाएगा, आपके चैनल के थ्रू बात जाएगी पूरी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानियों, तो क्या अगर तुम लोग हर महीना सपोर्ट करोगे पाकिस्तान भर में ऐसे सेंटर बना देंगे। देखें
अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हें और देंगे, और ऐसा ही है माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं मेरी नज़र में मैंने देखा है कि मुझे 2 साल हो गए, मैंने इनको इनसे इंस्पायर होके हमने एक खाने का छोटा सा स्टार्ट किया था जो कि हम हर जुम्मा इफ्तारी करा रहे हैं माशाल्लाह। वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख के कहते हैं, लेकिन हमारा एक एम ये है कि हम इंशाल्लाह इसको काफी बड़ा करें। कल कहां इफ्तारी आपकी जुम्मे में? हम लोग कराते हैं ज़ियाउद्दीन पे। मैं आऊंगा यार, मुझे जगह बताएं, मैं आऊंगा। हम लोग ज़ियाउद्दीन पे इफ्तारी कराते हैं, लेना फ्राइडे, परसों है, परसों। तो मैं एक और बात आपके ब्लॉग के जरिए आपकी सिस्टर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जो बहुत भरपूर प्रॉपर्ली हर महीने जेडीसी, हर हफ्ते जेडीसी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली, और हमारे दुआ परवरदिगार आलम उनको और तरक्की दें और मुल्क का नाम रोशन करें, आपको तरक्की दें। और आप अभी इस व्लॉग को ख़त्म नहीं करिएगा, ये जिस तरह से तैयारी हो रही है सारी, जो सर्विंग हो रही है ये भी दिखाएं, और मेरी तरफ से दावत है कल जरूर आएँ, कल आके दिखाएं किस तरह चुल्लू कबाब 25,000 लोगों के तैयार होगा और उनको सर्व जरूर आएंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे। भाई हमने सोचा इस नेक काम में हम भी थोड़ी सी शिरकत करें और हम भी थोड़ा सा काम करें, क्योंकि आपको तो पता है घर में नहीं करते, लेकिन इस तरह सफर भाई को देखते हुए मैं कहता हूँ कि जब उम्र अकमल जैसा बंदा काम कर सकता है और इतने बड़े बड़े, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरीके से काम कर रहा है वो सबको मालूम ही आए, खसूसी तौर पर एक दफा फिर जिन लोगों के पास अब तक सैरी नहीं पहुंची है, दोनों हाथ बुलंद करके तालियां होनी चाहिए जनाब उमर अकमल साहब। अभी मैं घर आया हूं और सैरी मैंने कर ली थी, वहां पे बिल्कुल फ्री हो गया था और काफी ज्यादा टाइम भी हो गया था, तो मुझे घर निकलना पड़ा, तो मैंने इस वजह से ब्लॉग को वहां एंड नहीं किया। तो बस आज का ब्लॉग होता है मेरा यहाँ खत्म। अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं तो कहता हूँ आप लोग भी जाएं और अपना भी एक एक्सपीरियंस करके आए वहाँ पर, और मैं कहता हूँ आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो आप लोग भी जाएं और अपना एक्सपीरियंस करें, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।